गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। इन प्रीवियस क्लास आई सेंड सम वर्ब्स। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कुछ वर्ब्स भेजी थी और मैंने कहा था उसके मींस मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। वो इसलिए कहा था ताकि एक बार आप नोटबुक में लिख दो और जब मैं इसका मीन समझा रहा हूँ तो आप उस नोटबुक में देखते रहो सर कौन से वर्ब का समझा रहे। तो पहले देखो, तीन तरह मेनली तीन फॉर्म बताई थी हमने, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, और एक और होती है आईएनजी फॉर्म। कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म। तो मैं पहले प्रेजेंट टेंस के मीन सारे, ये सारे में मीन समझा देता हूँ। अराइज, अराइज का मतलब होता है उठना। उसकी सेकेंड फॉर्म होगी अराइज की अरोज, और थर्ड फॉर्म होगी अराइजन, और आईएनजी फॉर्म क्या होगी? अराइजिंग। ओके, अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ ना अराइज, ए आर आई एस सी, अराइज। तो आई एन जी फॉर्म बनाते समय हमको फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाना होता है। आई एन जी फॉर्म बनाते समय हमको फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाना होता है। लेकिन एक रूल होता है, जब ई होता है ना फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में, तो उस ई को रिमूव करके हमको क्या लगाना है? आई एन जी लगाना है। तो ए आर आई एस आई एन जी, अराइजिंग। ओके, फिर आता है अराइव यानी पहुंचना, आस्क यानी पूछना, बिगन मीन्स चालू होना, ब्रिंग मीन्स लाना, बाय यानी खरीदना, बिल्ड मतलब बनाना, कम यानी आना, कैच यानी पकड़ना, कॉल यानी कि बुलाना, कैरी यानी ले जाना, क्राई यानी कि रोना, क्रॉस यानी कि पार करना, क्लीन यानी कि साफ करना, डाई मीन्स डेथ होना, ड्रिंक यानी पीना, ड्राइव यानी कि चलाना, ईट यानी कि खाना, फाइट यानी कि लड़ना, फ्लाई यानी कि उड़ना, फाइन यानी कि पता करना, गेट यानी कि पाना, गिव यानी कि दो या देना, गो यानी कि जाना, गो यानी जाना, ग्रो यानी उगना, और हियर मतलब सुनना। ये सारे मीन्स बता दिए और उनके सबके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपके इसमें लिखे गए। ओके, तो वो उस अकॉर्डिंग काम आएंगे जिस अकॉर्डिंग उसमें टेंस यूज हुआ। पास्ट टेंस यूज होगा तो सेकेंड फॉर्म यूज होगा। ओके, और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है। इस तरीके से हम यूज करेंगे। आज मैं कुछ और आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब भेजूंगा, उसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, और अगले 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 मंडे की क्लास में हम उसको समझेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। नंबर, नंबर आपको पता ही है नंबर क्या होता है, जिससे किसी भी नाउन और प्रोनाउन के सिंगुलर, सिंगल होने के या एक से ज्यादा होने का पता चले। सिंगुलर यानी एक होने का पता चले, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा होने का पता चले, उसको बोलते हैं हम नंबर बोलते हैं। ओके, तो नंबर कौन कितने टाइप के होते हैं? दो, सिंगुलर और प्लूरल, और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट और पर्सन पढ़ना है। एक तो टॉपिक पढ़ना है नंबर और एक पढ़ना है पर्सन। तो आज के वीडियो सेगमेंट में ओनली हम नंबर पढ़ेंगे और पर्सन का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नंबर, आप सबको पता है नंबर क्या होता है, हिंदी में वचन बोलते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से उसके एक या अधिक होने का पता चले उसे क्या बोलते हैं? हम वचन बोलते हैं। एक होने का पता चले तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, और एक से ज्यादा होने का पता चले तो उसको प्लूरल बोलेंगे। तो मैंने लिखा भी है नंबर, ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन कौन है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, करने वाला। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। आर ऑफ टू काइंड्स बेस्ड ऑन नंबर, सारे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन कौन से? नाउन और प्रोनाउन, और आर ऑफ टू काइंड्स, कितने काइंड्स हो सकते हैं? टू काइंड्स बेस्ड ऑन नंबर, जो किस पर बेस्ड है? नंबर पर। पहला आता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर यानी कि जिससे पता चले, किसी एक के होने का पता चले उसको बोलते हैं सिंगुलर। ओके, जैसे आई, आई यानी मैं, तो कितने होने का पता चला? ओनली एक पर्सन का, मैं। ही यानी वह, उसके भी एक होने का पता चला। सी यानी कि वह, ही यूज होता है बॉयज के लिए, जेंट्स के लिए, और शी यूज होता है गर्ल्स के लिए और लेडीज के लिए। इट यानी यह, इट आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। राम किसी का नाम है, लेकिन है क्या सिंगुलर? ये राम एक अकेला है, श्याम अलग हो गया। देखो राम एक अलग लड़का है, श्याम एक अलग लड़का। काउ एक गाय, गाय कितनी एक ही है। पेन, पेन कितनी एक ही है। ओके, तो ये होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर यानी जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का पता चले, कि कितने होने का पता चले, खाली एक है बस,
मैंने बोला लड़का तो एक होने का पता चला और लड़के तो बहुत होने का पता चला, तो एक होने का पता चले उनको बोलते सिंगुलर और बहुत पता होने का बहुत 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 ज्यादा वस्तु है या बहुत ज्यादा संज्ञा है सर्वनाम है तो उनको बोलते हैं प्लूरल। तो प्लूरल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे वी यानी हम, कम से कम दो तो होंगे ना वी में। यू अब याद रखना, यू 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 आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, वैसे बोलने में तो यू यानी तुम एक ही है बट उसको कंसिडर किया जाता है प्लूरल में किया जाता है। यू किसके साथ कंसिडर किया जाता है, प्लूरल में, इसलिए यू के साथ आर आता है ना कि इज आता है। दे यानी कि वे, दे यानी कि वे, और वे यानी कि प्लूरल, प्लूरल फॉर्म है। राम एंड श्याम, राम और श्याम दो पे, इधर मैंने राम कॉमा फिर श्याम लिखा, जबकि प्लूरल में मैंने राम एंड श्याम लिखा, दोनों अलग अलग, तो राम कॉमा श्याम यानी दो अलग अलग लड़कों की बात है। राम एंड श्याम तो दो अलग अलग लड़कों की तो बात हो रही है लेकिन दोनों को साथ में बोल रहे हैं, इसलिए प्लूरल में आ गया राम एंड श्याम। ओके, राम एंड श्याम। काउस यानी कि गाय, काउ सिंगुलर था एस लगाए तो काउस बहुत सारी गाय। पैन सिंगुलर था और पैन प्लूरल बहुत सारे पैन। ओके बच्चों आज के लिए इतना ही, मैं कुछ वर्ब्स भी सेंड कर रहा हूँ उसको नोट में नोट डाउन कर लेना। थैंक यू बच्चों।